हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो यहां देखिए पार्ट 4 में क्या बोल रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another car from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the cars? ठीक है, तो दोनों कार की स्पीड फाइंड करनी है और क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, सपोज यहाँ पर ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, ठीक, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 100 किलोमीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कार ए स्टार्ट करता है, फर्स्ट कार जो स्टार्ट करता है ए पॉइंट से कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में यू से कर रहा है। ठीक है, केस वन में बोल रहा है आपको ए से स्टार्ट कर रहा है और बी कार जो बी पॉइंट पर है वो सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है, सपोज इसकी स्पीड वी है और कार जो ए से स्टार्ट कर रहा है उसकी स्पीड यू है। ठीक है, अब देखिए दोनों 5 आवर के बाद मिलता है, इट मींस क्या, यू की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो दोनों एक साथ आ जाएगा। तो सपोज जो 5 आवर के बाद इस डिस्टेंस इस पॉइंट पर आके मिल रहा है, पॉइंट सी पर, ठीक है, पॉइंट सी पर दोनों आकर मिलते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, वो दोनों की डिफरेंस जो हो जाएगी 100 किलोमीटर की होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या बोल रहा है, देखिए केस टू में बोल रहा है कि दोनों कार जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, ये यू से, दूसरा वी से ही स्पीड सेम रहेगी और दोनों मिलते हैं आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार्स हो जाएगी 100 किलोमीटर यहाँ पर, और केस वन में हो जाएगी डिफरेंस जो है 100 किलोमीटर के। ठीक है, चलिए तो पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करने हैं गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर और उसके बाद उसे सॉल्व करना है हमें एलजेब्रिक मेथड से। आइदर आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए तो यह ज़ूम कर लेते हैं हम, लेट द स्पीड ऑफ टू कार्स, स्पीड ऑफ कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी, बी यू किलोमीटर पर आवर एंड बी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब देखिए यहां पर हम एज्यूम करें यू इज ग्रेटर देन वी, तभी तो आपका देखिए केस वन में दोनों एक साथ मिल पाएगा। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं ये। चलिए अब क्या हम करेंगे, गिवन कंडीशंस के बेसिस पर लीनियर इक्वेशन फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू given conditions, the pair of linear equations formed are the pair of linear equations formed are, ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं इसे। यहां देखिए क्या कंडीशन दी हुई है, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो दोनों 5 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, हम केस वन की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार कितनी हो जाएगी, 5 आवर में 5 u डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी और सेकेंड कार की डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी 5 × v स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और ये डिफरेंस जो है दोनों 100 किलोमीटर की होगी। ठीक है, एक साथ जब पॉइंट सी पर पहुंचेगा तो 100 किलोमीटर की होगी।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, और इसे हम 5 से दोनों एलएचएस आरएचएस डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी यू माइनस वी इक्वल टू 20। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब केस 2 देखिए, दोनों सपोज यहाँ पॉइंट डी पर मिलती है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट का प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड का इक्वल टू 100 किलोमीटर, और कितने टाइम में मिलती है, 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में मीन्स यू इंटू वन प्लस वी इंटू वन इक्वल टू 100 किलोमीटर, दोनों मिलके 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, और ये हो गया हमारा यू प्लस वी इक्वल टू 100। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करने हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा ऊपर मूव कर लें। अब हमें u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए हम इक्वेशंस 1 और 2 को ऐड कर दें तो v एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके फाइंड करते हैं u एंड v। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट ट्वाइस ऑफ u इक्वल टू 120 और u इक्वल टू 60। ठीक है, सेकेंड, अब देखिए u जो है हमारा 60 मिल गया, तो इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में, तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ u, दिस वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2 u है हमारा तो 60 प्लस v इक्वल टू 100, इट मीन्स v हो गया हमारा 40। ठीक है, हेंस स्पीड ऑफ दोनों कार हमें फाइंड करने थे। स्पीड ऑफ टू कार्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर चेक करना है हमें कि हमारा कुछ आंसर जो आया है वो सही है या गलत है, तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इक्वेशन 1 और 2 में। अगर हमारा ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।